अल्लाम वरम्त लि दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीदा आपो ठीक होंगे दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि बाइक पीछे से जोल क्यों मारता है यानी कि बाइक पीछे से बबलिंग कर जाता है जैसे आप बाइक को चला रहे हैं पीछे से ऐसे बबलिंग कर जाता है तो वो किस वजह से होता है दोस्तों वो तीन चार वजह होती है मैं इन आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ तो आप दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें और कमेंट में दोस्तों लाजमी बताया करें कि आपको किस टाइप की वीडियो की ज़रूरत है दोस्तों मैं इंशाल्लाह उसी टॉपिक पे वीडियो लाजमी बनाऊंगा आप मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप दोस्तों को ये प्रॉब्लम है तो मैं उस पर वीडियो कैसे बनाऊँगा ठीक है तो आपने कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सी वीडियो की ज़रूरत है तो मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पे वीडियो जो है आपके लिए लेके कर आऊँगा ठीक है दोस्तों तो अब बात करते हैं कि बाइक जो है आपका पीछे से बबलिंग क्यों करता है किस वजह से क्या मसला होता है तो दोस्तों तीन चार वजूहत होती हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ सबसे पहले दोस्तों अगर आपका व्हील टेढ़ा है व्हील की अलाइनमेंट नहीं सही तो आपका मोटरसाइकिल जो है पीछे से बबलिंग करता है उसके बाद दोस्तों अगर आपके बाइक के शाख पंप फर्ग है शाख पंप का मसला है आपके बाइक के अंदर तो भी आपका बाइक जो है बबलिंग करता है ठीक है पीछे से बबलिंग कर रहे हैं उसके बाद दोस्तों अगर आपके चिमटे के बुश जो है वो ख़त्म हो चुके हैं तो भी आपका बाइक जो है बबलिंग करता है तो आप दोस्तों ने चेक किस किस तरह करना है दोस्तों व्हील को घुमाना है पहले व्हील को घुमाएंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि आपका बाइक व्हील की वजह से बबलिंग कर रहा है या किसी और वजह से अगर आपका बाइक का व्हील बिल्कुल सीधा है फिर आपका बाइक बबलिंग कर रहा है तो इसका मतलब आपके बाइक का व्हील जो है वो सही है और इन दो चीज़ों में प्रॉब्लम है या शाख में प्रॉब्लम आ सकती है या चिमटे के बुश में अब आपने चिमटे के बुश चेक करने हैं चिमटे के बुश चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तों चिमटे के बुश चेक करने के लिए आपने सबसे पहले बाइक को खड़ा करना है डबल स्टैंड पे डबल स्टैंड पे दोस्तों जैसे ही आप खड़ा करोगे बाइक को तो आपने उस बाइक को स्टार्ट करना है स्टार्ट करके आपने उसको फर्स्ट गेयर लगा के उसको रेस देनी है और रेस दे के दोस्तों आपने यकदम उस ब्रेक का यूज़ करना है ब्रेक आप लगाएंगे तो आपका बाइक जो है पीछे से अगर चिमटा जो है पीछे से ऐसे एक जोल सी ले रहा है तो इसका मतलब आपके बाइक के चिमटे के बुश जो है वो ख़त्म हो चुके हैं या आपके चिमटा जो है वो फर्ग हो चुका है तो आपने चिमटे के बुश चेंज करवाने हैं या चिमटे जो है वो चेंज करवा लेना है अगर चिमटे में मसला है तो चिमटा चेंज करवा लें अगर बुश में मसला है तो बुश जो है वो चेंज करवा लें तो इस तरह आप बाइक के चिमटे को ठीक कर सकते हैं इसकी एक है ये भी निशानी होती है जब आप इस बाइक को चला रहे होते हैं जब आप यानी कि मुड़ते हैं तो उस वक्त भी बाइक जो है पीछे से जोल मारता है स्लो स्पीड पे और जो फुल यानी कि साठ की स्पीड पे बाइक जो है बबलिंग करता है पीछे से साठ की स्पीड पे आप जा रहे हैं ऐसे बाइक जैसे पीछे से काँप रहा है तो वो शाख का मसला होता है शाख पंप चेंज होंगे सिर्फ़ तो शाख पंप आप चेंज करवा देंगे इनशाला आपका जो मसला है पीछे से बबलिंग का साठ की स्पीड या चालीस की स्पीड पर जाके आता है ये मसला तो ये आपका मसला इनशाला हल हो जाएगा तो दोस्तों ये तीन चीज़ों की वजह से ही बाइक पीछे से बबलिंग करता है तो आपने इन तीनों चीज़ों को लाजमी चेक करवाना है और आप खुद इसको चेक कर सकते हैं कोई मकैनिक के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़